infant with me. भारत के लिए दूसरी बार ऑस्कर जीतने वाली महिला, जिन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और बुलंद हौसलों से ये बता दिया कि एक महिला भी मेल ओरिएंटेड फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा सकती है, गुनीत मोंगा। ये सवाल सभी के मन में आ रहा है कि आखिर भारतीयों का मान बढ़ाने वाली गुनीत मोंगा कौन है, चलिए जानते हैं। भारत के लिए द एलिफेंट विस्पर से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के लिए ऑस्कर दिलाने वाली गुनीत मोंगा भारत की जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शाहिद, द लंच बॉक्स, दस वेदानिया, मिक्की वायरस, मॉनसून शूट आउट और हरामखोर जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है गुनीत की कहानी। खबरों के अनुसार साउथ दिल्ली के एक बड़े से घर में रहने वाली गुनीत का घर बेशक काफी बड़ा था, लेकिन उस बड़े से घर में उनके परिवार को जो कमरा मिला था वो काफी छोटा था। दुनिया के लिए गुनीत की फैमिली तो परफेक्ट फैमिली थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनकी कहानी कुछ और ही थी। परिवार के मतभेद के बीच में उनके माता पिता सबसे ज्यादा पिस रहे थे। यहाँ तक कि गुनीत के पिता के भाइयों ने उनकी माँ को जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। इस हादसे से डर कर उनके माता पिता ने फौरन घर छोड़ दिया, फिर उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाई। साल की उम्र में स्कूल के साथ साथ गुनीत ने काम करना शुरू कर दिया था। सड़कों में सामान बेचने के साथ साथ पीवीआर में अनाउंसर, एक डीजे, छोटे मोटे फंक्शन में एंकरिंग कर गुनीत ने पैसे इकट्ठे किए। कॉलेज के दिनों में गुनीत ने मुंबई जाना शुरू किया। एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम शुरू करके गुनीत जल्द ही प्रोडक्शन मैनेजर बन गई। गुनीत जो भी पैसे कमाती उसे अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए देती थी। सारे पैसे इकट्ठा करके गुनीत के परिवार ने एक घर बुक किया। उस वक्त उनके परिवार को अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग लग रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुक किया हुआ घर जब तक बनकर तैयार हुआ, गुनीत के माता पिता चल बसे। उस वक्त गुनीत के माँ के सपनों का घर तो तैयार था, पर वहाँ रहने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उनकी जिंदगी के इस हादसे के बाद भी वो कभी रुकी नहीं। गुनीत ने अपने बैग पैक किए, घर बेचा और दोबारा दोगुनी एनर्जी के साथ एक बार फिर से काम करने मुंबई आ गईं। गुनीत ने अपनी सारी एनर्जी फिल्मों में लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका सपना उनके डायरेक्टर का सपना बन गया। एक समय ऐसा आया जब गुनीत पूरे दिन काम करती थी और केवल 4 घंटे सोती थी। क्राउड फंडिंग करना, इंटरनेशनल सेल्स देखना, हर चीज काफी मुश्किल थी, लेकिन उन्हें इन सब में मजा आने लगा और आज दौर ऐसा आया कि उन्होंने अपने दम पर 2 ऑस्कर जीत कर दिखा दिया। बता दें, गुनीत मोंगा ने 12 दिसंबर 2022 को सनी कपूर से पूरे पंजाबी रीति रिवाज से शादी रचाई। डेटिंग ऐप के माध्यम से गुनीत से मिले सनी कपूर एक फैशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका दिल्ली में खुद का बड़ा बिजनेस है। गुनीत की इस जीत पर खुद पीएम मोदी ने भी बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा, इस सम्मान के लिए द एलिफेंट विस्पर की पूरी टीम को बधाई। फिल्म ने समावेशी विकास और पर्यावरण के साथ सद्भाव के साथ रहने पर प्रकाश डाला है। इससे बड़ी जीत अब और क्या हो सकती है। वाकई गुनीत की इस जीत से आज हर महिला को उन पर गर्व है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।